little viewers. Assalamu alaikum. يسعد الله صباحكم. اليوم رح نعمل قطايف عربي. Viewers, आज हमारे घर हमारी फैमिली आई है. वो हमारे साथ अरबी डिश शेयर करने लगी है जिसका नाम है अताइफ. और उसके लिए जिन चीजों की जरूरत है मैं आपको बताती हूँ. मैदा है 2 कप, फ्रेश मिल्क 1 कप, ये है सूजी 2 टेबलस्पून, ये है बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, ईस्ट 1 टीस्पून, वनीला शुगर 1/2 टीस्पून और शुगर यानी चीनी जो है ये 2 टेबलस्पून. तो अब हम ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं. हम ये रेसिपी जो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले सूजी और मैदा इन दोनों को इकट्ठा करके मिक्स कर रहे हैं. मैदा और सूजी को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है. चीनी 2 टेबलस्पून, बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून, ईस्ट 1 टीस्पून, वनीला शुगर 1/2 टीस्पून. अब इन तमाम अज़ा को हम मिक्स करेंगे मैदे के अंदर. चुटकी भर नमक डालेंगे अंदर, फिर मिक्स करेंगे इसको. वन कप दूध जो है वो डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके उसको मिक्स करेंगे इस अमेजे में. पहले हमने इसके अंदर 1 कप दूध डाला है, अब हम इसके अंदर 1 कप जो पानी है वो मिक्स करेंगे. इसमें हमने 1/2 कप पानी डाला है और 1 कप दूध डाल के अब ये इसको हम हैंड मिक्सर के साथ इसको मिक्स करेंगे. चाहे मशीन के साथ करें, हैंड के साथ करें, इसको अच्छी तरह से अब हम इसकी फॉर्म तैयार करेंगे. अगर इसमें मजीद पानी की जरूरत पड़े बैटर जैसे कि हम तैयार कर रहे हैं तो आप डाल सकते हैं पानी, जैसे कि हम भी डालने लगे हैं. उसी तरह से इसको फाइन सा मिक्सर तैयार करना. व्यूअर्स, हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें 1 कप जो पानी है वो पूरा डाल दिया है, इसका हम बैटर तैयार कर रहे हैं. व्यूअर्स, ये बैटर जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है. ये देखें, यही इसी तरह से आपने फॉर्म तैयार करना है. व्यूअर्स, ये बैटर जब तैयार हो जाए तो उसको आपने आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देना है. तो व्यूअर्स, ये था अताइफ का फर्स्ट स्टेप. अब हम सेकंड स्टेप जो है वो उसकी तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं उसमें क्या करना है. व्यूअर्स, अताइफ का जो सेकंड स्टेप है उसमें सबसे पहले हमने 750 ml जो है वो दूध वो इस पैन में रखा है. इसको हम बॉईल करेंगे, सबसे पहले चूल्हा ऑन करेंगे. व्यूअर्स, जैसे ही दूध में बॉयल आए तो आपने इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून, पूरा नहीं है उससे थोड़ा सा कम जो है सिरका वो डाल देना.
अब आपने चूल्हा बंद कर देना है और सिर्फ इसको एक दो दफा हलाना है। ये देखिए दूध सारा जो है वो फट गया है। अब हमने इसको फटे हुए दूध को, जैसे ये अब बन गया है ये हार्ड सा, इसको हमने निकाल देना है बाहर। ये हमने पनीर तैयार किया आपके सामने, इसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। और अब हम इसके लिए जो एक और चीज है, इसका नाम है मस्कारपोने। व्यूअर्स ये 250 ग्राम ये जो है मस्कारपोने है, ये इटालियन है, आप किसी भी ब्रांड की आप क्रीम ले सकते हैं। वो अब हम इसमें डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। ये चीनी है तकरीबन 1 टेबलस्पून और इन तीनों चीजों को मिक्स करेंगे। इसको आपने अच्छी तरह से फोक की मदद से या स्पून की मदद से देखें, अच्छी तरह से मिक्स करना है ये तीनों चीजों को। व्यूअर्स पहले हमने फोक के साथ इसको अच्छी तरह मिक्स किया, अब हम बीटर से करेंगे। इसको हमने बिल्कुल मलाई की तरह मुलायम करना है और फिर हम इसको करके तैयार तो फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। व्यूअर्स ये देखें ये फॉर्म हमने तैयार कर लेनी है, अब हम इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। व्यूअर्स ये हमने पिस्ता लिए, इसको हमने क्रश करना है, ज्यादा बारीक ने पाउडर नहीं बनाना, बिल्कुल हमने मोटा मोटा क्रश करना है इसको। ये देखिए हमने पिस्ते को मोटा मोटा ग्राइंड कर लिया, अब हम आगे बताते हैं आपको क्या करना। ये हमारे बैटर को तकरीबन 30 मिनट हो गए हैं रखे हुए, अब हम इसको खोल के देखते हैं। व्यूअर्स ये फॉर्म होनी चाहिए इसकी बैटर की। व्यूअर्स इस बैटर को आप एक जग में डाल लें। व्यूअर्स अब हम ये इलेक्ट्रिक तवे के ऊपर ये छोटी छोटी सी रोटियां बनाएंगे इस बैटर की। व्यूअर्स अगर आप घर में दूसरा चूल्हा इस्तेमाल करें, तवा दूसरा इस्तेमाल करें, तो आप मीडियम फ्लेम रखिएगा। अब ये तैयार है, एक एक साइड हम इसकी चेंज करते जाएंगे। ये बिल्कुल तैयार है। व्यूअर्स इसको एक साइड से कुक करना है, ये हमारा नॉनस्टिक है इसलिए हमने ऑयल नहीं यूज किया। अगर आप नॉनस्टिक के बगैर आप कर रहे हैं तो फिर आप हल्का सा ऑयल लगाएं। इसी तरह से हम तमाम बैटर की इस तरह से छोटी छोटी सी रोटियां बना लेंगे। थोड़ा ठंडा होने पर इन रोटियों को आप ये फॉर्म देंगे, आपको दिखाते हैं।
ये देखें अब इसकी हम फिलिंग करेंगे क्रीम के साथ और वो जो हमने पिस्ता ग्राइंड किया है उसके साथ हम इसको ऊपर लगाएंगे तो ये फॉर्म इसकी ये तैयार हो जाएगी। इसी तरह से हम ये सारे तैयार करेंगे। दूसरे चूल्हे पे हमने एक कप चीनी में हाफ कप पानी डाल के और उसमें 1 टेबलस्पून लीमू का रस डाल के उसको पकने के लिए तैयार रखा हुआ है। चाशनी तैयार होगी उससे, वो भी हम बाद में आपको बताते हैं। इसी तरह से हम ये सारे जो तैयार कर लेंगे और फिलिंग करके उसके ऊपर पिस्ता लगा के रखेंगे। इस पर व्यूअर्स ये अरबी डिश है और ये शादी ब्याह के मौके पे इस तरह कोई फेस्टिवल हो तो उस पर ये बनाते हैं। बहुत मजे की और देखने में भी बहुत खूबसूरत और खाने में भी बहुत मजे की। ये हमारी आज की अरबिश रेसिपी जो है अताइफ ये बिल्कुल फाइनल तैयार है और इसके साथ ये शीरा है चीनी का जिसके अंदर मैंने आपको बताया 1 कप चीनी हाफ कप पानी और 1 टेबलस्पून लेमन जूस वो डाल के उसको हमने पकाया है। तो इसको जिस तरह खाते हैं अब मैं आपको बताती हूँ ये किस तरह खाते हैं। ये शीरा जो बनाया है इसके ऊपर ऐसे पोर करके इस तरह से ये खाया जाता है। ये बहुत डिलीशियस मजे की है। ये अरबिश मामा है मेरी, यहाँ पे हमारे घर फैमिली फ्रेंड है, ये आती हैं तो इन्होंने आज ये रेसिपी बनाई है, मैंने उनकी थोड़ी सी हेल्प की है। बहुत अच्छी हमारी प्यारी फेवरेट मामा और ये अरबिश कुकिंग इनकी कमाल है, माशाल्लाह बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।